ये बिल्ली मेरे पास रेगुलर खाना खाने आती थी। 2 दिन से ये मुझे नहीं मिली तो मैंने सबसे पूछा और इधर उधर मैं इसको ढूंढने भी गई, पर ये मुझे नहीं मिली। 2 दिन बाद जब ये मुझे मिली, इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। बेचारी का किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण इसके लोअर पोर्शन पैरालाइज हो गया था। ये अभी चल नहीं पा रही थी, तो मैं इसको अपने साथ अपने घर लेके आई। अपने आप को सामने की तरफ घसीट के चलाने के चक्कर पे इसके पीछे एक अच्छा बड़ा सा वुंड भी हो गया था। बेचारी बहुत ही ज्यादा दर्द में और ट्रॉमा में थी। तो मैंने इसको घर में लाने के बाद इसको तुरंत ही मैंने खाना दिया। ये बेचारी लेटे लेटे इसी तरीके से खाना खाने लगी। इसी को भूख भी लगी थी बहुत ज्यादा। बेचारी ने शायद काफी दिनों से कुछ खाया नहीं था, लगभग 2-3 दिन से। खाना खाने के बाद ये बेचारी जाके सो गई। मैं इसको उस दिन डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पहले से ये ट्रॉमा में थी, तो मैंने इसको सोने दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये सो के उठी, तो मैंने सबसे पहले इसके घाव का ड्रेसिंग किया। मैंने बेटाडाइन लोशन से अच्छी तरीके से इसके वुंड को क्लीन किया। वुंड इतना बड़ा था कि उसको दर्द हो रहा था। फिर मैंने इसको सुला के प्यार करते करते धीरे धीरे इसके वुंड पे बेटाडाइन लोशन लगा के उसको अच्छी तरीके से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मैंने वहां पे ऑयलमेंट लगाया, जिसके वजह से उसका घाव और भी जल्दी से सूख जाएगा, क्योंकि उसका घाव सही में बहुत ही बड़ा था। ऑयलमेंट लगाने के बाद मैंने वहां पे बेटाडाइन पाउडर लगाया, जिससे इसका घाव और भी जल्दी सूख जाएगा। कुछ इस तरीके से मैं इसकी ड्रेसिंग करती थी। एवरी डे इसकी ड्रेसिंग चलती थी। इस बिल्ली को 5 बच्चे भी हुए थे। इसके बच्चे इतने छोटे थे कि अपनी माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं पीते थे, तो ये भी हमारे साथ थी। और माँ तो माँ ही होती है, चाहे कितनी भी दर्द में हो, ये अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। ये भी इस हालत में अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, और इसके 5 बच्चे बहुत ही प्यारे थे। डॉक्टर ने इसको वॉकिंग प्रैक्टिस करने को बोला था, क्योंकि इसके लोअर पोर्शन में कोई बैलेंस नहीं था। तो इसी तरीके से मैं एक बेल्ट के सहारे इसको लिफ्ट करके रेगुलर दिन में 2 बारी वॉकिंग प्रैक्टिस करवाती थी। पहले तो ये कर नहीं पाती थी, गिर जाती थी, बैठ जाती थी, पर मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। मैं इसको रेगुलर इसी तरीके से दिन में 2 बारी वॉकिंग प्रैक्टिस जरूर कराती थी। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस उसको होने भी लगी थी। ये खाना खाने के बाद आके मेरी गोदी में इसी तरीके से सो जाती थी। इतनी प्यारी थी, ये चुपचाप आके सो जाती थी और मैं इसको प्यार करते करते सुला देती थी। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। पहले तो ये अपने पैरों के भरोसे खड़ी नहीं हो पाती थी, इस तरीके से बैठ के खाना खाती थी। बट कुछ दिन बाद से जब इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ, ये अपने पैरों पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर दे पाती थी। धीरे धीरे खड़ी होने की कोशिश करती थी। लगभग 20 दिन हो चुके थे इसके ट्रीटमेंट को। इसके बच्चे भी पहले से काफी बड़े हो चुके थे। इसके प्यारे प्यारे 5 बच्चे भी अभी काफी बड़े हो गए हैं। ये अपनी माँ का भी दूध पी रहे हैं और इसकी माँ इन लोगों को दूध पिला रही है। इस बिल्ली का इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा था। इसके पूंछ का घाव भी काफी सूख गया था और छोटा हो गया था पहले के हिसाब से, पहले और ज्यादा बड़ा था। इसका इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा था, क्योंकि इसका दिन में 2 बारी मेडिसिन टाइम टू टाइम इसको मैं खिलाती थी, वॉकिंग प्रैक्टिस करवाती थी। ये अभी पहले से काफ़ी अच्छे तरीके से खाना भी खाती है। पहले दर्द के कारण कम खाती थी, पर अभी नॉर्मली वो अच्छे से खाना खाती है। कुछ दिन बाद लगभग 1 महीने के अराउंड ये बिल्कुल अपने पैरों पे चल पा रही थी। लोअर पोर्शन इसका वीक था, पर फिर भी ये चल पाती थी। इस बिल्ली को तो हमने बचा लिया, पर ना जाने कितने बेजुबान जानवर रेगुलर रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। सो प्लीज सब कोई थोड़े ध्यान से गाड़ी चलाइए। सेफ ड्राइव, सेव लाइफ।